हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। गाइस, आज 12th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग, दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, देखो गाइस, बहुत बार आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किए होंगे लेबोरेटरी में, जब प्रैक्टिकल्स किए होंगे 11th स्टैंडर्ड में आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किए थे। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, 12th में भी आपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया होगा, वहां पे भी सॉल्यूशन प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, आज के लेसन में हम लोग एग्जैक्टली मीनिंग पढ़ेंगे कि व्हाट इज सॉल्यूशन इज, बराबर है, उसके क्या टाइप्स है एक्चुअली, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एग्जैक्टली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद फिर व्हाट इज एक्चुअली द कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट, कितना डिसॉल्व होता है सॉल्यूट, उसके बाद फिर उसके टाइप्स एग्जैक्टली क्या है एंड ऑल सच थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। आज के वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा। जनरली हम लोग सोचते हैं गाइस कि सॉल्यूशन यानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, कोई एक सब्सटेंस लिक्विड में डिसॉल्व कर लो तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, बट एक्चुअली वैसा चीज है नहीं। ठीक है, जनरली सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड स्टेट में भी रहेंगे, लिक्विड गैसीय स्टेट में भी रहेंगे, नॉट ओनली प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट बट ऑल्सो इन अ सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन अ गैसीय स्टेट। तो ये हम लोग आज एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस सॉल्यूशन इज। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ सॉल्यूशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। देखो, पहली चीज इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सी गाइस, सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन इज नथिंग बट अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है गाइस, देखो इंपॉर्टेंट टर्म है ये होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर है क्या चीज, देखो होमोजीनियस मिक्सचर आर द मिक्सचर व्हेन वी मिक्स टुगेदर वी कैनॉट बी इजीली सेपरेट। ठीक है, आई थिंक सो 11th स्टैंडर्ड के पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर, ये दो टाइप्स एक्चुअली, बराबर। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जब अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हम लोग मिक्स कर दे और उनका लेयर्स इजीली विजिबल नहीं है और वो इजीली सेपरेबल नहीं है तो उनको होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाएगा। एंड वन पार्टिकल गेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू द वॉल्यूम ऑफ द अनदर पार्टिकल, बराबर है। हेटरोजेनियस में क्या होगा, अगर हम लोग मिक्स कर दे दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट तो उनके लेयर्स इजिली विजिबल होंगे इन दैट मिक्सचर, एट द सेम टाइम वी कैन इजिली सेपरेट दोज मिक्सचर एज वेल, सो वो हेटरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल सैंड एंड सॉरी सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर होमोजेनियस मिक्सचर, हेटरोजेनियस का सैंड इन वाटर, सैंड वाटर में डाल दो एक टाइम लगेगा कि वो डिजोल्व हो गया, बट एक सर्टन टाइम के बाद अगर विदाउट डिस्टर्बेंस हम लोग रख दे तो सैंड का लेयर और वाटर का लेयर आपको सेपरेट दिखाई देगा, तो दैट इज हेटरोजेनियस मिक्सचर। और भी ये जो यहाँ पे हम लोग जो सोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, ऑल दीज सोल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, क्या है ये होमोजेनियस मिक्सचर, या होमोजेनियस मिक्सचर, समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअली दिस वन सॉल्यूशन, कि इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस, अंडरस्टूड। ओके, तो होमोजेनियस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जनरली बच्चे लिख लेते हैं सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस और टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, तो वहां पे होमोजेनियस वर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, नाउ दैट इज द थिंग्स। चलो, ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, अब एक्चुअल में क्या होता है, लेट्स सी। देखो, जनरल इन जनरल सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड टू बी अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बराबर है। अब होमोजेनियस मिक्सचर तो है, बट कब फॉर्म होगा, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स करेंगे, उसमें से कोई होगा सॉल्यूट कोई होगा सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम लोग यही पढ़ेंगे इन जनरल कि सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो एग्जैक्टली उसमें सॉल्यूट क्या है एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स आल्सो, सॉल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, चलो कंसिडर कर लेता हूं, आई एम राइटिंग ओवर हियर ओनली। कंसिडर कि से फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 ग्राम NaCl ले लिया कॉमन सॉल्ट और वो डिजोल्व कर दिया हंड्रेड एम एल ऑफ वॉटर। ठीक है गाइस, क्या लिया मैंने, 5 ग्राम NaCl लिया और उसको डिजोल्व कर दिया किसमें, 100 ml of water में डिजोल्व कर दिया। ठीक है, किसमें डिजोल्व कर लिया, 100 ml of water में। अब क्या होगा, देखो, अब देखो गाइस,
यहाँ पे हम लोग मास पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मास ऑफ NaCl एज वेल एज मास ऑफ वाटर। देखो गाइस वाटर की डेंसिटी एक होती है, यानी जितना ml वाटर है उतना ही वो ग्राम में होता है। 100 ml वाटर यानी कितना ग्राम होगा, 100 ग्राम वाटर। कितना ग्राम होगा, 100 ग्राम वाटर, बराबर। ओके, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है वो समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ओनली। द सोल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच प्रेजेंट इन लोअर प्रोपोर्शन, ठीक है, लोअर प्रोपोर्शन, और यू कैन से इन व्हिच प्रेजेंट इन लोअर मास और लोअर प्रोपोर्शन ही लिखता हूं, दैट विल बी बेटर वर्ड एक्चुअली, ठीक है। सो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट जनरली अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच प्रेजेंट इन लोअर प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ अ मास, ठीक है, व्हिच प्रेजेंट इन लोअर प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ मास। ओके, क्या है वो, लोअर प्रोपोर्शन में। सो चलो मेंशन कर लेते हैं लोअर प्रोपोर्शन। एंड सॉल्वेंट आर द कंपोनेंट व्हिच प्रेजेंट इन higher proportion in terms of mass, ठीक है, solute lower proportion in terms of mass, solvent higher proportion in terms of mass। तो अगर मैं इस particular example को consider कर रहा हूं, ये वाला the whole example, the preparation of salt solution, ठीक है, जहां पे देखो NaCl कितना है, 5 ग्राम, water कितना है, 100 ml यानी 100 ग्राम, बराबर। ओके, तो किसका proportion कम हुआ यहां पे, NaCl का, तो यहाँ पे सोल्यूट कौन सा है, लोअर प्रोपोर्शन सोल्यूट, तो ये NaCl ये हो गया सोल्यूट अपने लिए, समझ में आ गया। एंड हायर प्रोपोर्शन में है वाटर, तो H2O बन गया हमारे लिए सॉल्वेंट इन दिस केस, ठीक है। NaCl क्या है, सोल्यूट ओवर हियर, एंड वाटर विल बी दी सॉल्वेंट ओवर हियर। और जनरली गाइज हम लोग बोलते हैं कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है ना, वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जब भी कोई सोल्यूशन प्रिपेयर होगा बाय एडिंग वाटर, तो वो तो सॉल्वेंट ही रहेगा, अंडरस्टूड, क्या रहेगा, सॉल्वेंट ही रहेगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने डेफिनेशन भी पढ़ी, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, गाइस ये डेफिनेशन एग्जाम में आती है, व्हाट इज सॉल्यूट व्हाट इज सॉल्वेंट ये भी आता है एक्चुअली, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, ये सारे हमने होमोजेनियस सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन इन जनरल कंसीडर्ड टू बी अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लोअर प्रोपोर्शन, सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ हायर प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ मास, बराबर है। ये सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया था, जहां पे 5 ग्राम NaCl 100 ml वाटर यानी 100 ग्राम वाटर में डाल दिया, तो एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया जिसमें 5 ग्राम NaCl लोअर प्रोपोर्शन में है, तो वो अपना सॉल्यूट एंड 100 ml वाटर वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, समझ में आ गया। और देखो गाइस एक चीज ध्यान में रखना कि सॉल्वेंट कभी भी एक ही होगा सॉल्यूशन में, व्हेनेवर यू प्रिपेयर द सॉल्यूशन नो, ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट विल बी वन ओनली, नंबर ऑफ सॉल्यूट विल बी डिफरेंट, ठीक है, और उसी के ऊपर से फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो चले जाते हैं फिर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखो गाइस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अ कंपोनेंट, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट, जनरली टू, यू नो, समझ लो हम लोग थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। पहला तो है बाइनरी सॉल्यूशन, ये एक्चुअली बुक में इन डिटेल दिया नहीं है, आई एम गोइंग टू टेक ओवर हियर, बाइनरी सॉल्यूशन। सेकंड टर्नरी सॉल्यूशन, बट ये लिखता नहीं हूं मैं, जस्ट सिंपली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी यू नो बाइनरी सॉल्यूशन ओनली, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली बाइनरी सॉल्यूशन, वन ऑफ द टाइप, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट। बाइनरी मीन्स बाई मीन्स टू ओवर हियर, ठीक है, बाई यानी क्या, टू होंगे। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा, बराबर है। ओके, अब सॉल्यूट अगर वन है एंड सॉल्वेंट अगर वन है, तो टोटल कंपोनेंट कितने हो गए, टू, अंडरस्टूड, सॉल्यूट वन एंड सॉल्वेंट वन, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट विल बी टू ओनली। सो इफ एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन विच हैविंग टू कंपोनेंट, तो उसको हम लोग कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, क्या कहेंगे उसको, बाइनरी सॉल्यूशन। एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन विच हैविंग टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर टू, तो बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। चलो सिंपली ओरली बता देता हूं, व्हाट इज टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन हैविंग टू सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, ठीक है, टू सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। समझ लो कि आपने 100 ml वाटर लिया
और उसमें 5 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया, उसी में 5 ग्राम शुगर भी ऐड कर दिया। ओके 5-5-10 ग्राम हमने दोनों सोल्यूट ऐड कर दिए हैं एंड 100 ml वाटर, यानी 100 ग्राम वाटर होगा बराबर। तो वाटर विल बी सॉल्वेंट एंड शुगर एंड सोल्यूट विल बी सोल्यूट, तो 2 सोल्यूट 1 सॉल्वेंट, टोटल कंपोनेंट 3, टर्नरी सॉल्यूशन। क्वार्टरनरी सॉल्यूशन नींबू पानी एक्चुअली अपना एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, जहां पे सॉल्वेंट होगा एक वाटर एंड उसमें हम लोग लेमन जूस ऐड करेंगे, उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, उसमें थोड़ी सी शुगर डाल देंगे हम लोग। ये तीनों कंपोनेंट लेमन जूस, सॉल्ट, शुगर, ये दोनों तीनों क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट्स एंड वन सॉल्वेंट। तो टोटल कंपोनेंट 3+1=4, तो टोटल कंपोनेंट 4 हो गए, तो वो हो जाएगा क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। सो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अ कंपोनेंट। नाउ वन मोर टाइप इज देयर डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स ऑफ अ सॉल्यूट एंड द स्टेट्स ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट्स ऑफ अ सॉल्यूट एंड स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट, सो दैट ऑल्सो दैट वी विल गोइंग टू सी इन डिटेल ओवर हियर, ठीक है। बट गाइज रिमेंबर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अ कंपोनेंट विच इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक इन डिटेल, यहाँ पे क्या है बाइनरी, टर्नरी एंड क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, जहां पे वी विल गोइंग टू फोकस ऑन बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। चलो तो फिर टोटल नंबर ऑफ 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, सो दैट वी विल सी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द नंबर ऑफ और डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स ऑफ द कंपोनेंट और स्टेट्स ऑफ द मैटर, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं वो द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हियर आई विल मेक वन टेबल, नंबर, स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट, स्टेट ऑफ सॉल्यूट, अब मैं लिखता हूं यहां पे स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड देन आई विल गो विथ सम एग्जांपल्स, यहां पे मैं एग्जांपल्स लिखूंगा, ठीक है। ओके चलो नंबर वन शुरू करते हैं, स्टेट्स ऑफ अ सॉल्यूट। समझ लो कि वी आर हैविंग स्टेट्स ऑफ अ सॉल्यूट, सॉलिड स्टेट, state of a solid state and state of a solvent, also state of a solvent is liquid state, okay, samajh mein aa raha hai, state of a solid kya lower proportion mein solid and state of a solvent liquid state mein, theek hai, solid and state of a solvent is in the liquid state only, theek hai, kya hoga let's see, dekho ab solute smaller proportion mein jo hona chahiye solid state mein, solvent हायर प्रोपोर्शन में जो होना चाहिए लिक्विड स्टेट में। एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सी वाटर। सी वाटर इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन वेयर सॉल्यूट इन सॉलिड स्टेट, सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। सी वाटर में क्या रहता है, सॉल्ट रहता है ना गाइस, रहता है ना सॉल्ट, ओके, तो सी वाटर में ओके सॉल्ट रहेगा, इवन शुगर सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन, दीज आर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल किसके, सॉलिड इन लिक्विड, यू कैन से सॉलिड इन लिक्विड, जहां पे सॉलिड होगा इन अ मिनिमम कंपोनेंट मिनिमम प्रोपोर्शन एंड सॉल्वेंट होगा इन अ हायर प्रोपोर्शन। समझ में आ गया, अंडरस्टूड, ओके। चलो ये तो हो गया अबाउट व्हाट फर्स्ट टाइप, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। चलो नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड, स्टेट्स ऑफ अ सॉल्यूट सॉलिड स्टेट, स्टेट्स ऑफ अ सॉल्वेंट ऑल्सो सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, जहां पे सॉल्यूट होना चाहिए सॉलिड स्टेट में लोअर प्रोपोर्शन में, सॉल्वेंट होना चाहिए सॉलिड स्टेट में लोअर प्रोपोर्शन में। जनरली गाइस मेटल अलॉय आर द एग्जांपल, ठीक है, मेटल अलॉय आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस सॉलिड इन सॉलिड। जहां पे देखो अलॉय कैसे फॉर्म होगा, एक लार्ज क्वांटिटी में मेटल रहेगा विल बी सर्व एज अ सॉल्वेंट और उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अनदर मेटल विल बी एडेड, ठीक है, so there will be formation of a metal alloy, ठीक है। इवन गोल्ड जो है, गोल्ड ज्वेलरीज जो बनती है guys, ज्वेलरीज बनती है, उसमें क्या होता है गोल्ड हायर प्रपोर्शन में, उसमें स्मॉल परसेंटेज ऑफ कॉपर इज एडेड। आपने सुना होगा 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, ठीक है। तो वो जो ये प्रपोर्शन, ये सॉरी 22 कैरेट या 24 कैरेट या 20 कैरेट, ये जो प्रपोर्शन है या फिर ये जो रेटिंग है गोल्ड की, ये किससे आती है, जिसमें कितना मिला हुआ है कॉपर। तो कॉपर भी सॉलिड स्टेट में, गोल्ड भी सॉलिड स्टेट में, प्योर गोल्ड भी सॉलिड स्टेट में, तो प्योर गोल्ड इज अ सॉल्वेंट ओवर देयर एंड प्योर कॉपर which generally present at the room solid state at room temperature will serve as a solute over here. So this is the solution of a solid in solid. So मैंने पहले ही कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि हम लोग सोचते हैं कि सोल्यूशन यानी सिर्फ लिक्विड स्टेट में होगा, बट सोल्यूशन सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, लाइक दिस वन ओवर हियर, सॉलिड इन सॉलिड। समझ में आ गया बिच्छो, ओके। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज द थर्ड वन, सॉलिड इन गैस, सॉलिड
गैस टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन, जहां पे स्टेट ऑफ अ सॉल्यूट इज सॉलिड स्टेट एंड स्टेट ऑफ अ सॉल्वेंट इज गैसियस स्टेट। ठीक है, स्टेट ऑफ अ सॉल्यूट इज सॉलिड स्टेट, स्टेट ऑफ अ सॉल्वेंट इज गैसियस स्टेट। ठीक है, सॉलिड इन गैस, यहाँ पे कोई भी सब्लाइम कंपाउंड हम लोग ले लेंगे, एग्जाम्पल है आयोडीन इन एयर, आयोडीन इन एयर। ओके, अगर आयोडीन, आयोडीन इज अ वोलाटाइल कंपाउंड गाइस, वोलाटाइल यानी क्या, इवोपरेट होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बराबर है। तो उस सब्सटेंस को अगर हम लोग आयोडीन ले लेंगे एयर में, अगर वो प्रेजेंट है समझ लो, तो एयर विल बी अ गैसियस सब्सटेंस। ओके, क्या होगा, हायर प्रोपोर्शन में, और जो वो सप्लाइम सॉलिड है आयोडीन विल बी प्रेजेंट इन अ लोअर प्रोपोर्शन ओनली। तो सॉलिड इन गैस का, सॉलिड इन गैस जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है उसका एग्जांपल क्या हुआ, आयोडीन इन एयर। आप कैम्फर इन एयर ले सकते हो, आप नेफ्थलीन बॉल इन एयर ले सकते हो। ओके, तो दीज आर सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइस, दीज आर द फर्स्ट थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पे स्टेट्स ऑफ अ सॉल्यूट इज सॉलिड स्टेट ओनली, स्टेट ऑफ अ सॉल्वेंट अलग अलग है, दैट इज लिक्विड सॉलिड एंड गैस, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन गैस। ठीक है, चलो अब फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे चले जाते हैं, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड, स्टेट ऑफ अ सॉल्यूट लिक्विड स्टेट, स्टेट ऑफ अ सॉल्वेंट ऑल्सो लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल लिक्विड इन लिक्विड का, सिंपल कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल सॉल्यूशन अगर हमने वॉटर में डाल दिया, और मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस वॉटर, यानी जो डायल्यूट HCl सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, सिंपली यू कैन से डायल्यूट HCl सॉल्यूशन, सो डायल्यूट HCl सॉल्यूशन, डायल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, इवन अल्कोहल इन वॉटर, दीज आर सम एग्जाम्पल वेयर लिक्विड सॉल्यूट है, इवन सॉल्वेंट ऑल्सो प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट, जहां पे वॉटर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलो ये तो सिंपल था, आया था। सिक्स, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड यानी लिक्विड स्टेट में होगा सॉल्यूट, सॉलिड स्टेट में क्या रहेगा सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में लोअर प्रोपोर्शन में एंड सॉलिड यू नो हायर प्रोपोर्शन में। अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ अदर मेटल्स, एग्जाम्पल अमलगम of Hg with other metals, ये उसका example है, amalgam of Hg with other metals। कैसे बच्चों, mercury which present in a liquid state lower proportion में रहेगा, और वो mix कर लेंगे हम लोग किसी दूसरे metal के साथ, like copper है, zinc है, aluminium है। ठीक है, तो whenever the mercury mix with the say other metal and forms the alloy, that is called as amalgam actually, उसको amalgam कहते हैं, इसलिए यहाँ पे word use हुआ है amalgam। amalgam of mercury with other metal, where mercury present in liquid state solute and other metal will be present in the solid state, that will be solvent। तो liquid in solid, that is amalgam of mercury। sixth चले जाते हैं, the next one, that is liquid in gas, liquid गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड स्टेट में क्या रहेगा सॉल्यूट, गैस में रहेगा क्या अपना सॉल्वेंट, लिक्विड इन गैस। मॉइस्चर बच्चों बेस्ट एग्जांपल है, मॉइस्चर या फिर क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला क्या है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 इन नाइट्रोजन गैस, दैट इज N2 गैस। ओके, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, या फिर मॉइस्चर यानी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एयर, दैट ऑल्सो द एग्जाम्पल एक्चुअली ऑफ अ लिक्विड इन गैस। समझ में आ गया। ओके, चलो ये तो पहले छह टाइप हो गए, नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज अदर टाइप, सेवेंथ वन, कंटिन्यू करता हूं यहीं पे, द सेवेंथ वन। ओके, सेवेंथ इज गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस इन लिक्विड, यानी गैस होगा सॉलिड स्टेट में, लिक्विड होगा क्या सॉल्वेंट, लिक्विड विल बी इन द सॉल्वेंट स्टेट। ठीक है, गैस इन लिक्विड, समझ में आ रहा है, गैस इन लिक्विड। ओके, चलो अब यहां पे क्या होगा गैस इन लिक्विड में, लेट्स सी, गैस इन लिक्विड एग्जाम्पल फॉर गैस इन लिक्विड, बच्चों कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, आई नो दैट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यूज टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, क्या होता है उसमें, अगर आपने कोई भी ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक ले लिया, क्या होता है एग्जैक्टली, कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं ना उसको, जहां पे डिजोल्व फॉर्म में गैस रहेगा इन द लिक्विड ओनली, सो दैट कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है, कार्बोनेटेड वाटर
दैट इज कोल्ड ड्रिंक सिंपली. Carbonated water, that is cold drink will be the example. Okay, or cold drink is the example actually where gas in liquid, gas hoga, CO2 gas small proportion mein in a solid, in the form of solute present in the liquid form, you know, present in the liquid which will be over here solvent. Theek hai, chalo. Aathwa, that is the second last type hai, that is gas in solid, gas इन सॉलिड यानी सॉलिड स्टेट, सॉल्यूट होगा गैस, सॉल्वेंट होगा सॉलिड स्टेट में. ठीक है, सॉल्यूट इन अ गैसीय स्टेट, सॉल्वेंट विल बी इन अ सॉलिड स्टेट. गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, समझ लो रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, पैलेडियम दैट इज पीडी. ठीक है, या फिर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट ऑन अ सर्फेस ऑफ अ प्लैटिनम. ठीक है, सो गैस ऑन सॉलिड जहां पे H2 प्रेजेंट इन, H2 इन पैलेडियम या फिर H2 इन प्लैटिनम या फिर H2 इन निकल इज द एग्जांपल. हाइड्रोजन गैस सॉल्यूट पैलेडियम दैट विल बी यू नो सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट. फाइनली द लास्ट टाइप, दिस इज गैस इन गैस, गैस इन गैस. ठीक है, गैस इन गैस में क्या होगा बच्चों, व्हाट विल हैपन इन गैस इन गैस? सिंपल एग्जांपल है बॉस, एयर है, एयर जहां पे देखो नाइट्रोजन गैस जनरली प्रेजेंट कितना होता है, नियर अबाउट 75% इन एयर ओनली. ठीक है, रेस्ट ऑफ द गैसेस 25%. ओके, जिसमें 70-75% एक्चुअली हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस है, विल बी कंसीडर एज अ सॉल्वेंट एंड रेस्ट ऑफ द गैसेस विल बी कंसीडर एज व्हाट, कंसीडर एज सॉल्यूट. समझ में आ गया? तो गैस इन गैस, एयर इज द बेस्ट एग्जांपल एक्चुअली. So these are the types of a solution, major 9 types, जहाँ पे states of a solid and states of solid के ऊपर depend है, solid in liquid, solid in solid, solid in gas, liquid in solid, liquid in gas, and then next 3, gas in liquid, gas in solid, gas in gas. समझ में आ गया? With the example हमने समझ लिया है यहाँ पे. चलो आगे वाला topic देखते हैं guys, capacity for solution to dissolve solute. ठीक है, capacity for solution to dissolve solute. देखो guys, हमने पढ़ा है already कि क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दो विल बी गेटिंग अ सॉल्यूशन. ठीक है, चलो यहां पे एरो बना देता हूं मैं, यहां पे हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है. ओके, चलो व्हेनेवर यू डिसॉल्व सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यू विल बी गेटिंग सॉल्यूशन ओवर हियर. वहां पे दो प्रोसेस होती है बच्चों, वन इज डिसॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, दो प्रोसेस होगी, वन इज डिसॉल्यूशन, सेकेंड वन क्रिस्टलाइजेशन. ओके, डिसॉल्यूशन होगा एंड सेकेंडली क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा. ओके, डिसॉल्यूशन यानी क्या, सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में, जैसे ही डिसॉल्व होगा, ठीक है, व्हाट विल हैपन ओवर देयर, सून आफ्टर दैट सॉल्यूट पार्टिकल विल क्रिस्टलाइज आउट इन द सॉल्यूशन. That solute particle will crystallize out in the solution only. Okay, उसको क्या हम लोग कहेंगे, that process is dissolution, now crystallization. ठीक है, जब भी solid solute अगर हम लोग solvent में add कर देते in the liquid solvent only, दोनों process side by side चलेगी, dissolution and crystallization. पहले rate of dissolution will be more, at the start rate of crystallization will be lesser. ठीक है, then one time will be coming where you know rate of dissolution, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी इक्वलाइज ओनली. जहां पे हम से फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, समझ लो कि वी आर हैविंग, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहां पे टू अंडरस्टैंड दिस वन. समझ लो ये बीकर है जिसमें हमने यहां पे वाटर रखा है. ओके, 100 ml वाटर लिया है यहां पे, मैं कुछ इसमें सॉल्ट ऐड कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल आई एम एडिंग सॉल्ट ओवर हियर. ठीक है, क्या ऐड कर रहा हूं इसमें, NaCl सॉल्ट ऐड. ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया 5 ग्राम, डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, और कुछ ऐड करूंगा डिसॉल्व हो जाएगा, और कुछ ऐड करूंगा डिसॉल्व हो जाएगा, तो रेट ऑफ डिसॉल्यूशन विल बी हायर एट द टॉप. क्रिस्टलाइजेशन होगा बट वही क्रिस्टलाइज सब्सटेंस वापस से डिसॉल्व हो जाएगा वहां पे, यानी हम लोगों को लगे कि वो सब्सटेंस डिसॉल्व ही हो रहा है. जैसे जैसे हम लोग मोर एंड मोर सॉल्यूट NaCl विल बी एडेड इनटू दिस सॉल्यूशन ओनली, एक सर्टेन टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद बच्चों, वो जो सॉलिड NaCl हम लोग ऐड कर रहे हैं वो उसमें डिसॉल्व होगा नहीं, एक्चुअली डिसॉल्व होता है
ओके होता क्या है, जैसे ही डिजोल्व होगा वो वापस से क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ओके आई एम रिपीटिंग, हाँ जैसे ही डिजोल्व होगा वो वापस से क्रिस्टलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली हम लोग कहेंगे कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी मोर, और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज मोर एक्चुअली, एंड दैट इज द रीजन वाई हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल जो हम लोग एड कर रहे हैं इन टू द वॉटर या फिर इन टू दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन वो फर्दर डिजोल्व नहीं हो रहा। तो ऐसे जो सोल्यूशन है समझ लो जहां पे हम लोग मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ यू नो सोल्यूट एड करते हैं एंड इट विल नॉट डिजोल्व फर्दर इन टू दैट सोल्यूशन ओनली, दैट टाइप ऑफ अ सोल्यूशन इज कॉल्ड टू बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक्चुअली मेजर थ्री टाइप्स है सोल्यूशन के, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी फॉर सोल्यूट डिजोल्व इन यू नो डिजोल्व इन कैपेसिटी फॉर सोल्यूशन टू डिजोल्व सोल्यूट, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, एंड द थर्ड वन इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जनरली हम लोग जो यूज करते हैं गाइस वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, जहां पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ऐड कर दो और क्लियर सोल्यूशन बन गए, तो वो होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अगर हम लोग ऐड करते रहेंगे, ठीक है, इन टू द सॉल्वेंट ओनली, तो वहां पे हमें मिल जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हाट वी आर गेटिंग ओवर देयर, सैचुरेटेड सोल्यूशन, जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि इट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व प्रेजेंट इन और प्रेजेंट और यू कैन से डिजॉल्व इन a given amount of solvent, at a given temperature, क्या है saturated solution? Containing maximum amount of a solute dissolve or present in a given amount of a solvent, ठीक है, max to max होगा, जहाँ पे undissolved form में वो रहेगा, simply dissolve हो जाएगा, but generally हम लोग कहेंगे undissolved form में, क्यों, क्योंकि वो crystallize होगा वापस से, जैसे कि इस process में हम लोग को पता, solute solvent dissolve करके solution बन रहा है, dissolution crystallization होगा, but just when the rate of crystallization will be more than the rate of dissolution, हमें क्या मिल जाएगा, saturated solution which containing maximum amount of a solute in that given amount of a solvent, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आ जाता है गाइस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज द सेकंड वन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, जनरली कंटेन्स ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है, इट कंटेन्स ग्रेटर देन इट कंटेन ग्रेटर देन the equilibrium amount of a solute, ठीक है, क्या है, containing greater than equilibrium amount of a solute, यानी equilibrium condition form हो गई जब हम लोग सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यूअस, यू नो रेट ऑफ डिसॉल्यूशन विल बी मोर देन द क्रिस्टलाइजेशन, एक सर्टेन टाइम आ जाएगा जहां पे रेट ऑफ डिसॉल्यूशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जहां पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होगा मतलब वहां पे डिसॉल्व फॉर्म में वो प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मैं मोर एंड मोर हम लोग अगर ऐड करते रहेंगे, सो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट विल बी प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन ओनली, और इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ओनली, दैट इज कॉल्ड टू बी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जो तीसरा टाइप था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें होता क्या है बच्चों, सिंपली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट एडेड इनटू द सॉल्यूशन, एडेड इनटू द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन, एक क्लियर सॉल्यूशन बन गया तो वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो भी लैबोरेटरी में हम लोग जो यू नो बोलते हैं कि लैबोरेटरी में जो भी व्हाट वी कैन से यूज करते हैं, आई मीन सॉल्यूशन, ये सारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही होते हैं, मैक्स टू मैक्सिमम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वेरी फ्यू सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटी फॉर सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट,
जहां पे दो प्रोसेस होती है, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म द सॉल्यूशन ओनली, एंड जनरली यूज टू फॉर्म सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट, एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट यू नो इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट. नाउ विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक गाइस, दैट इज सॉल्युबिलिटी. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऊपर. ओके, चलो सॉल्युबिलिटी. सी गाइस, सॉल्युबिलिटी यानी क्या, सी द डेफिनेशन इज देयर. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. ठीक है, क्या है सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन. इट इज सिंपली द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, क्या है अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फर्स्ट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट यू नो प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट. ओके, और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन टू द सॉल्वेंट. Understood? Okay. अब ये जो solubility है, उसके ऊपर कौन से factor affect करते हैं? Majorly three factor affect करते हैं बच्चों. पहला तो है nature of a solute and solvent, second one effect of temperature on solubility, और तीसरा आता है effect of pressure. ठीक है? तीसरा क्या आता है? Effect of pressure. So we'll discuss all these three topic. Okay? Nature of a solute and solvent, the first factor. ठीक है? फर्स्ट क्या है फैक्टर, नेचर ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. देखो गाइस, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक यू नो फॉर्मूला ही कह सकते हैं हम लोग, लाइक डिसॉल्व लाइक फॉर्मूला. क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक. लाइक dissolve like dissolve like yani kya bachcho, it indicates that you know organic compound soluble in organic solvent and inorganic solute soluble in inorganic solvent. okay, ye to aapko pata hi hoga actually ki organic compound ya fir organic solute organic solvent mein hi dissolve hota hai and inorganic solute inorganic solvent mein hi dissolve hota. so that formula is actually called to be a like dissolve like formula. theek hai, so nature of a solute and solvent. okay, so organic hoga to organic solvent mein dissolve hoga, इनऑर्गेनिक होगा तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा. सी देर आर फ्यू ऑर्गेनिक सॉल्यूट, देर आर फ्यू ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो एक्चुअली यू नो कह सकते हैं हम लोग डिसॉल्व इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट. वो एक स्पेशल कैटेगरी होगी, जैसे कि शुगर है. ओके, या फिर अल्कोहल इन वाटर है. वहां पे एक्चुअली एक बॉन्ड फॉर्म होता है गाइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, वहां पे क्या फॉर्म होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली ऑर्गेनिक फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड डू सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ओनली. बट मैक्सिमम हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्यूट ओनली. सो दैट इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. नाउ द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. सी गाइस, जब भी कोई सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व करेंगे, इट विल टेक द इनऑर्गेनिक सॉल्यूट ओनली. ठीक है, हम लोग इनऑर्गेनिक सॉल्यूट की बात करें, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट मैंने लिया है समझ लो. ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू यू नो से क्या कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू एड से इनऑर्गेनिक सॉल्यूट इनटू द इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट. बराबर, अब वहां पे दो प्रोसेस हो सकती है. एक तो वो प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या फिर वो प्रोसेस हो सकती है एंडोथर्मिक प्रोसेस. क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है गाइस, व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस. जब भी कोई सॉलिड NaCl सॉरी नॉट NaCl NaOH एक्चुअली NaOH अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हो तब क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज होती है. ठीक है, अगर ग्लास बीकर है उसमें वाटर रखा है और हमने NaOH ऐड कर दिया और हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, और अगर हमने ग्लास बीकर बॉटम से टच कर दिया तो वहां पे आपको वो पूरा बॉटम ऑफ द बीकर ओके गर्म हो आई मीन हॉट फील होता है. ओके, दैट इंडिकेटिंग दैट हीट इज रिलीज ओवर देयर. ऑन द सेम साइड अगर हम लोग KCl ओके या फिर KNO3
अगर वाटर में डिजोल्व कर ले, बेसिकली KCl या फिर KNO3, मोस्ट ऑफ द टाइम KNO3 अगर डिजोल्व कर ले वाटर में, तो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, वहां पे क्या होगी, एटमॉस्फेयर से कुछ एनर्जी लगेगी एंड ओवरऑल सॉल्यूशन का एक्चुअली टेंपरेचर डाउन हो जाता है। जनरली समझ लो रूम टेंपरेचर पे वाटर है, से फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस पे, जब भी आप KNO3 ऐड कर दोगे तो वाटर का टेंपरेचर या फिर ओवरऑल सॉल्यूशन का टेंपरेचर 2 या 3 डिग्री से कम हो जाएगा। यानी इनिशियली जो 30 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर था वो हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका मतलब क्या है कि जब भी KNO3 ऐड कर रहे हैं हम लोग तो उस सॉल्यूशन का टेंपरेचर डाउन हो रहा है। ओके, that process is called to be endothermic process. So, solubility of effect of temperature on solubility for solid solute in the liquid as well as gaseous solute in the liquid. पहले discuss करते हैं for solid solute in liquid. ठीक है, for solid in liquid. Exothermic process है कोई भी समझ लो, और वहां पे हम लोग और heat add कर रहे हैं तो solubility will be decreases. ठीक है, इफ इट इज इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड वी आर एक्चुअली एडिंग मोर हीट टू दैट सिस्टम ओनली और टू दैट प्रोसेस ओनली, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड विल बी डिक्रीजेस। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और टेम्परेचर हम लोग कम कर रहे हैं, सो यू नो अकॉर्डिंग टू द ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल 11th में पढ़ाई होगा आपने, तो वो क्या हो जाएगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूट इन लिक्विड विल बी इंक्रीजेस। द सेम के द अपोजिट केस फॉर द एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑलरेडी प्रोसेस एंडोथर्मिक है और टेम्परेचर समझ लो KNO3 वाटर में ऐड कर रहे हैं हम लोग, एंडोथर्मिक प्रोसेस है और उसका टेम्परेचर और हम लोग आइस क्यूब डाल के कम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3 इन वाटर विल बी डिक्रीजेस। बट अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दें उस पर्टिकुलर मिक्सचर का, द सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3 इन वाटर विल बी इंक्रीजेस। So, हमें ये भी ध्यान में रखना होगा, हम लोग जनरली सोचेंगे कि टेम्परेचर बढ़ा दो तो सॉलिड डिजोल्व हो जाएगा लिक्विड में, ऐसी बात नहीं है गाइस, हमें ये प्रोसेस दोनों ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर हायर करेंगे सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, सो द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एट द लोअर टेम्परेचर। इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक सो एट लो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस बट एट हाई टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, नाउ फॉर लिक्विड इन गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा गाइस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड व्हाट विल हैपन ओवर देयर, क्या हो सकता है, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में अगर आप से अर्ली मॉर्निंग हम लोग यू नो गर्म पानी से नहाते हैं, कभी कभार गर्म पानी पीते भी है, जब भी पानी गर्म करने के लिए रखेंगे तो वहां उसमें से यू नो बबल्स निकलते हैं क्या, यानी मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वहां से डिजोल्व फॉर्म में जो गैस है लाइक ऑक्सीजन गैस या फिर CO2 गैस वो निकल जाता है उसमें से। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल बी डिक्रीजेस, एट हाई टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल बी डिक्रीजेस एंड एट लो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल बी इंक्रीजेस। समझ में आ गया, द अपोजिट ऑफ सॉलिड है ये, टेम्परेचर गैस इन लिक्विड के लिए हायर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी और लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, तो ये एक फैक्टर है द टेम्परेचर विच अफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट फैक्टर पे चले जाते हैं, दैट इज प्रेशर। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। जनरली सॉलिड यू नो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड डू नॉट अफेक्ट बाय द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, अगर सॉलिड सॉल्यूट है और वो लिक्विड में डिजोल्व कर रहे तो प्रेशर कुछ अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि सॉलिड नॉन कॉम्प्रेसिबल है, so there is no you know certain effect on the solubility of a solid in liquid, but agar gas in liquid hai, if it is gas in liquid to fir wo affect karta hai, theek hai, gas in liquid affect karta hai, that will be expressed by one of the law that is called Henry's law. So here it says that the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. theek hai, kya hai ye, the solubility of a solubility, it states that solubility of a gas in liquid, okay, solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. Agar if we consider S is equal to solubility and P is the pressure, toh formula kya hoga, S is directly proportional to P, kya hoga,
एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल बी मोर, इफ प्रेशर इज लेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल बी लेसर। अपने सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, जैसे ही हम लोग बॉटल यू नो कैप ओपन करते हैं क्या हो जाता है, गैस उड़ जाता है, हम लोग बोलते हैं बराबर है। इसका मतलब क्या, प्रेशर वहां से हम लोग रिलीज कर रहे हैं एक्चुअली, दैट्स व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डिक्रीजेस, सो दैट गैस इज गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। और अगर बॉटल की अगर कैन हम लोग अगर या फिर बॉटल को सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल अगर हम लोग बंद कर दे अच्छे से ठीक है विद द कैप, तो क्या होता है वहां पे गैस उसमें रहता है। इसका मतलब क्या है कि वो प्रेशर मेंटेन है, हायर प्रेशर है तो सॉल्युबिलिटी वहां पे ज्यादा रहेगी। अंडरस्टूड? सो सिंपली एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ऑल्टरनेटिव इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी, वेयर एस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, के एच क्या है हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट एंड पी इज द प्रेशर। ठीक है, KH is a Henry's law constant and P is what? It is the pressure. समझ में आ गया? So, solubility of a gas से pressure, solubility of a solid in liquid, effect of pressure, pressure do not affect on the solubility of a solid in liquid, बस gas in liquid में वो affect करेगा, which expressed by Henry's law, क्या कहता है वो? It states that solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. So, we can write therefore, S is directly proportional to P or S is equal to KH into P. समझ में आ गया guys? So, here we end our video only for this particular chapter, today's video. In the next video, we'll move for the next topic like Raoult's law, ठीक है? Vapor pressure of a solution in liquid and liquid in liquid, vapor pressure of solution solid in liquid, ideal, non-ideal solution and colligative property, these are the things we're going to see in the next lecture. I hope आपको video अच्छा लगा होगा, तो guys, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।